बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वी पाक टीवी। पोलान हाइट्स सी ऑफ गैलीली के साथ इज़राइल के कब्ज़े में स्ट्रेटजिक लोकेशन का हामिल इलाका है, जिसका बॉर्डर शाम, लबनान, उर्दन और इज़राइल के साथ मिलता है। पोलान हाइट्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करने से पहले मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। इसराइल इस वक्त एक मंसूबे पे काम कर रहा है जिसको वेस्ट बैंक एनेक्सेशन कहते हैं। वेस्ट बैंक का इलाका यरूशलम का इलाका है, जहां मुसलमानों और ईसाइयों के बहुत से मुकद्दस मुकामात हैं और कई पैगंबरों की कबूर मुबारक भी वही हैं, और सबसे बढ़कर मस्जिद अक्सा भी इसी इलाके में है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। और अल्लाह ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की जगह को भी बरकतों वाली जगह करार दिया है। ये इलाका मुसलमानों और बिलखसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है। यहूदी सारे एरिया पे बाकायदा कब्ज़ा करके इसराइल में दम करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया की तरफ से रिएक्शन की वजह से ये काम बड़ी खामोशी से जारी है। अमरीकन इस्टेब्लिशमेंट खसूसन ट्रंप एनेक्सेशन मंसूबे में इसराइल के साथ है, और बहुत से अरब ममालिक भी अरब स्प्रिंग और अपनी हुकूमतें बचाने के खौफ से इसराइल के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी में मसरूफ़ हैं। यही वजह है अब इसराइल ने वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के पोस्टर और ख़बरें शाया करना शुरू कर दी हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी को चकमा देने के लिए इसराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 6,000 और फ़लस्तीनियों के लिए 700 मकान बनाने का ऐलान किया है, लेकिन हकीकत में फ़लस्तीनियों के लिए कोई घर नहीं बनने वाला, बल्कि इसराइल तो जहां फ़लस्तीनी पहले से मौजूद हैं उनको उन इलाकों से भी मुल्क बदर और इलाका बदर कर रहा है। इस वक्त इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही है। हसन नसरुल्ला के मुताबिक इतवार 26 जुलाई को इसराइली फ़ौज पर रॉकेट अटैक किया गया और एंटी टैंक मिसाइल से इसराइल का एक टैंक मुकम्मल तबाह कर दिया और इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल ने इन खबरों की तरदीद की, लेकिन इसराइल के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का जाए वकूआ पे आना इस बात की निशानदेही करता है कि इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा। 2006 में इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत पे फ़िज़ाई हमले किए थे और हिज़्बुल्लाह ने भी हज़ारों रॉकेट इसराइल पे फायर किए। 2006 के बाद इसराइल ने अब लबनान के शहर बैरूत के इलाके दैया में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमला किया। इसराइल का दावा है कि इस हमले में उन्होंने ऐसी मशीन तबाह की है जो रॉकेट के लिए फ्यूल बनाने का काम करती थी। इसराइल का कहना है कि ईरान हिज़्बुल्लाह को फंडिंग और असलाह सप्लाई करके मजबूत कर रहा है, और शाम में भी ईरान की प्रॉक्सी और फौज मौजूद है। इसराइल को शक है कि ईरान हिज़्बुल्लाह को टेक्नोलॉजी फ्राहम करना चाहता है जो इसराइल के लिए तबाहकुन होगी, इसलिए इसराइल हिज़्बुल्लाह को निशाना बना रहा है। जबकि हिज़्बुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल हवा में तीर चला रहा है और जिस टेक्नोलॉजी को वो अपने लिए ख़तरा तसव्वुर करता है हिज़्बुल्लाह के हाथ में है, और हमारे रॉकेट अब एक्यूरेसी के साथ जहां हम चाहेंगे इसराइल को निशाना बनाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि हिज़्बुल्लाह इसराइल के दरमियान मौजूदा लड़ाई पोलान हाइट्स के इलाके में है। इसराइल ने दावा किया है कि हिज़्बुल्लाह के जंगजुओं को उन्होंने पोलान हाइट्स से निशाना बनाया और हिज़्बुल्लाह के 4 मुजाहिदीन को शहीद किया है। पोलान का इलाका 4 मुल्कों के बीच घिरा बहुत अहम इलाका है। पोलान हाइट्स से शाम का दारुल हुकूमत, लबनान, उर्दन और इसराइल के इलाके वादे नज़र आते हैं। यही वजह है कि पोलान हाइट्स इन 4 मुल्कों में से जिसके पास होंगी वो अस्करी बरतरी हासिल कर लेगा। पोलान का इलाका बुनियादी तौर पर शाम का इलाका है और यूनाइटेड नेशन भी इसको शाम का इलाका समझती है, और दुनिया के बेशतर ममालिक इस इलाके में इसराइल का दावा तस्लीम नहीं करते। ये इलाका 1949 से 1967 तक
इसराइल और शाम के दरमियान सीज फायर लाइन था। 1967 में इसराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। 1973 में शाम ने इलाके वापस लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। 1981 में इस इलाके को इसराइल में शामिल कर लिया गया और दुनिया के सामने क्लेम किया कि ये इलाके इसराइल के हैं। अब इसको दुनिया नहीं मानती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में एक ट्वीट किया जिसके मुताबिक बोलान हाइट्स को इसराइल का इलाका तस्लीम किया गया। 2017 में अमेरिका ने यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया और वेस्ट बैंक एनेक्सेशन के फ्रॉड में भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। बोलान हाइट्स में इस वक्त 20,000 के करीब यहूदी और इतने ही शामी मुसलमान रहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इस इलाके पर इसराइली कब्जे को गैर कानूनी करार देती है, लेकिन 50 सालों से इस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हुई। अब ईरान, शाम, लबनान, उर्दन, फलस्तीन और तुर्की की तरफ से शदीद तहफ़ुज़ात के बावजूद इसराइल इस इलाके में कब्जा करके बैठा है, जिसकी असल वजह इसराइल का मास्टर प्लान यानी ग्रेटर इसराइल है। स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से इसराइल को अपने दुश्मनों पर नज़र रखने और हमला करने के लिए बोलान हाइट्स पे काबिज रहना ज़रूरी है, लेकिन इस कब्जे को छुड़ाने के लिए हिजबुल्ला, ईरान और सीरिया कोशिश करते रहते हैं। यूएई और सऊदीया इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं, जबकि पाकिस्तान शुरू दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है और इसराइल को सिरे से तस्लीम नहीं करता, और ये रियासत धौंस और ज़बरदस्ती से बनाई गई। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में बोलान हाइट्स में जंग छिड़ सकती है, जो कि 2006 की जंग से मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब अमेरिका अपने अंदरूनी हालात COVID-19 और चाइना में उलझा हुआ है, और तुर्की भी काफ़ी एग्रेसिव मोड में है, और रशिया को अब इस इलाके में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं रहा। बोलान हाइट्स के मामले में तुर्की, ईरान और लबनान के साथ खड़ा है। बोलान हाइट्स की वजह से फैसला कुन लड़ाई हो सकती है, जिसमें इसराइल को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह।